कि दर्द पन्नों पे आया असर बन गए, दर्द पन्नों पे आया असर बन गए, देखते देखते हम नज़र बन गए, और आपने प्यार से जो नवाजा हमें पेपरों में छपे और खबर बन गए। स्वागत है आदरणीय, आप आइए। तो राम जी और सिया जी के खुशी में तो बहुत दीपोत्सव होता है, लेकिन उसके साथ कुछ दर्द भी जुड़ा हुआ है एक ऐसे पात्र का जिसको हम लोग भूले रहते हैं हमेशा। वो थी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, और लक्ष्मण उर्मिला का जो मिलाप है, भरत मिलाप तो सब जानते हैं, राम भरत मिलाप, लक्ष्मण उर्मिला मिलाप कैसा हुआ होगा वो चित्र मैं आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ। और लखन आप महान बन गए, लखन आप महान बन गए, पर मुझको क्यों दिया भुला, पूछ रही आपसे यह प्रश्न आज आपकी पत्नी उर्मिला। मेरे त्याग का न किसी ने कभी किया थोड़ा सा भी जिक्र, 14 वर्ष तक याद किया न की मेरी तनिक सी भी फिक्र, नव विवाहता मैं थी आपकी, था क्या आपको ये एहसास, बिना मेरे कुछ सोचे समझे चल दिए प्रभु प्रेम में यूं बनवास। साथ मुझे भी ले लेते अगर तो हो जाता क्या कोई अनर्थ, हो जाता क्या कोई अनर्थ, प्रभु सेवा संग पति सेवा कर जीवन में मैं न जाने देती व्यर्थ। दीदी सीता संग जो मैं होती मन उनका भी जाता बहल, दीदी सीता संग जो मैं होती मन उनका भी जाता बहल, स्वर्णमृग आखेट प्रकरण में स्वर्णमृग आखेट प्रकरण में सिया अरहान हो जाता विफल, क्योंकि मैं वहाँ रहती है, लक्ष्मण नहीं भी होते तो हम तो हरण होते नहीं देती, सुर्ख नखा न पीछे पड़ती आपके अकेला अविवाहित मान, नाक कान काट कर न करना पड़ता आपको एक स्त्री का अपमान। अगर साथ मिला होता आपका वन भी लगता मुझे स्वर्ग, पूजी जाती मैं भी प्रभु सिया संग पाकर आपका संसर्ग, अश्रुपूरित नैनों से निहारती कहती जा रही थी, अश्रुपूरित नैनों से निहारती कहती जा रही व्यथा उर्मिला, 14 वर्ष बाद पति दर्शन का जो सौभाग्य था उसे मिला, भाव विवल हो लक्ष्मण हतप्रभ, क्या जवाब दें, भाव विवल हो लक्ष्मण हतप्रभ, रह गए निश्चल वहीं खड़े, उनके कमल नयनों से भी अश्रु जल प्रपात से जाते थे झड़े, वाणी साथ न दे पाई तो साथ लिया उन्होंने संपूर्ण मौन, जमी बर्फ रही पिघलती और गिले सिकवे हुए सब गौन। तो ये लक्ष्मण उर्मिला का मिलाप था। हम लोग आज दिवाली मना रहे हैं, आज बहुत अच्छी भीड़ में हम लोग इकट्ठा भी हैं, मास्क भी हटा हुआ है, सही बात है ना, पिछले साल याद कीजिए, मनाए दिवाली का त्यौहार शीर्षक है इसका, और उस दिवाली पर ही ये विधा मैंने शुरू भी की थी, पहली कविता है वो उस विधा में, अदना सूक्ष्म जीवाणु आगे विश्व ने मानी हार, अदना सूक्ष्म जीवाणु आगे विश्व ने मानी हार,
अपने हाथों खुद के पैरों पे लीक कुल्हाड़ी मार। तेज दौड़ती अर्थव्यवस्था, घुटने पड़ी लाचार। तेज दौड़ती अर्थव्यवस्था, घुटने पड़ी लाचार। लक्ष्मी माता रूठी ऐसे, घर लौटे हो बेरोजगार। घर लौटे हो बेरोजगार। अब इसमें देखिए, अब अंतिम इसके पांचवी लाइन आ रही है, हौसला बाकी रहे मनाएं दिवाली का त्यौहार। हौसला बाकी रहे मनाएं दिवाली का त्यौहार। और इसी लाइन से अंत भी करना है कविता का, तो अब जो अगला समूह होगा उसकी तुकांत बदल जाएगी, वो इस समूह के तुकांत से मिलता जुलता नहीं होगा, लेकिन अगली पांच लाइन का तुकांत आपस में मिलता जुलता हो। भोजन से रीति जाती चाहे करोड़ों थाली, भोजन से रीति जाती रही चाहे करोड़ों थाली, चहुं ओर फैलती, भोजन से रीति जाती रही चाहे सैकड़ों चाहे करोड़ों थाली, उलट कर भूखे पेट, भैया हमने उसे भी बजा डाली। उलट कर भूखे पेट उसे भी बजा डाली, चहुं ओर फैलती दिख रही है बदहाली, चहुं ओर फैलती दिख रही है बदहाली, वन में नाचे मोर प्रसन्न हम बजाते थाली ताली, वन में नाचे मोर प्रसन्न हम बजाते ताली। हौसला जारी रहे, ये तो हौसला जारी रहे मनाए फिर हम दिवाली का त्यौहार। हाँ, दिवाली का त्यौहार। खुल तो गए मॉल बाजार, खुल तो गए मॉल बाजार, मंद पड़ी खरीदारी है, ठन ठन गोपाल नजर आती बस लाचारी। धंधा पड़ गया ठप, वेतन की लगी मारा मारी। कहाँ ढूंढे रोजगार नया, कहाँ ढूंढे रोजगार नया, मजबूर करते बेगाड़ी। कहाँ ढूंढे रोजगार नया, मजबूर करते बेगाड़ी, हौसला जारी रहे दिवाली मनाना रखो जारी। मुसीबत माना है घना, मुसीबत माना है घना, पर न भूलेंगे सरकार संस्कार। मुसीबत माना है घना, पर न भूलेंगे संस्कार, देव कृपा से एक दिन छटेगा यह भी अंधकार। लौटेगी कृपा माँ की, लौटेगी कृपा माँ की, फलेगा फूलेगा व्यापार। उसी समय ये आपके लिए प्रोफेसी हो गई थी कि फिर से माँ की कृपा लौटेगी और हम लोग जल्दी ही फिर दिवाली का त्यौहार मनाएंगे। लौटेगी कृपा माँ की, फलेगा फूलेगा व्यापार, स्वस्थ सुरक्षित रहें लगेगी नैया अवश्य पार। हौसला बाकी रहे मनाएं दिवाली का त्यौहार, मनाएं दिवाली का त्यौहार, दिवाली आई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।